टैंकर रखते जी साथ हम अपने। ये मिट्टी जो है सड़क के लिए डल रही है जी। ये मिट्टी जैसे आप ला रहे हो उघाड़ के मंगवा रहे हो, ये इसका कोई प्रोसीजर नहीं बताया था कि इसे ढक के लाना कैसे लाना? तो पास की गांव से आ रही है जी। जी वैसे कायदे में कैसे लानी चाहिए? ढक के आनी थी, अब ये है जी हवा तेज चल रही है इस वजह से नहीं। नहीं तो आप जान रहे हो ना कि दिक्कत हो सकती है सड़क पे, लोग चल रहे हैं, लाखों लोग निकलते हैं, हजारों, तो ये आपको बात रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल रखनी है जी। तो ये कितने दिन का काम है अभी आपके यहाँ पे? ये तो बस ये आप 1-2 घंटे का काम है जी यहाँ पे जी, इधर समाप्त हो जाएगा जी। जी जी 8 किलोमीटर। और आपको बताया कि मिट्टी धक्के लानी चाहिए कि ऐसी लानी चाहिए, किसी ने बताया? बताया है जी। आपको बताया 8 किलोमीटर आप बराबर धूल उड़ाते आ रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इससे दिक्कत हो सकती है? नहीं दिक्कत होगी। जो NH के काम चल रहे हैं, जैसे बुलंदशहर से मेरठ वाला चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उसी दौरान हम 2 पहिया वाहन से वहाँ से गुजर रहे थे और जो डस्ट और मट्टी से डंफर खुले जा रहे थे उसकी मट्टी आँखों में आकर गिरी, हेलमेट लगा हुआ था उसकी आँख में कंक्रीट और झुंझुलाहट हो गई है, उस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। और जैसे कि कानून का पूरा उल्लंघन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डंपिंग की जगह जगह मट्टी ढककर ले जानी चाहिए थी, उसे खुलेआम कानून का उल्लंघन कर उसे ले जा रहा है। और हमारे उस मित्र की आँख पर ज़्यादा झुलझुलाट देखना कम है और उसको लेकर हम यहाँ अस्पताल आए हैं। आँखों में पड़ी होती है, डस्ट पड़ी होती है, निकालना पड़ता है उसको, कई बार से जख्म भी बन जाते हैं। तो आँखों को ज़्यादा खतरा भी हो सकता है? आँखों में जख्म हो जाते हैं तो जख्म का निशान पड़ जाता है, उससे रोशनी कम हो सकती है। ये डस्ट आँखों में जाती है और एलर्जिक प्रॉब्लम कर सकती है, आँखें लाल हो जाना, पानी आना, खुजली होना, तो ये इससे एलर्जिक प्रॉब्लम हो रही है इस समय।